बंद फैक्ट्री में चौकीदार की हत्या, सब फैक्ट्री के अंदर पड़ा मिला। सीओ फॉरेंसिक जांच टीम पुलिस बल मौके पर जांच में जुटी। फरीदाबाद जिले के सुखाबाद इंडस्ट्री एरिया में बंद फैक्ट्री विकास इंडस्ट्री में चौकीदार के पद पर उदयवीर पुत्र श्रीचंद्र उम्र 70 वर्ष चौकीदार के कार हेत रात में फैक्ट्री के अंदर लेटता था। सुबह बेटा रमेश और छोटे खाना देने आए, फोन किया, फोन नहीं उठा। अंदर जाकर देखा तो उदयवीर मृत अवस्था में चारपाई पर पड़े हैं। रमेश ने सूचना परिजनों पुलिस को दी। पुलिस पर परिजन मौके पर पहुंचे। सीओ कमलेश कुमार कोतवाल प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे, फॉरेंसिक जांच टीम बुलाई। फैक्ट्री लगे सीसीटीवी कैमरे में छेड़छाड़ और डीबीआर गायब मिली। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। घटना पर पहुंची महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल। रमेश जी, क्या घटना हुई है? किसी ने मार दिए। किसको? मेरे पिताजी को। क्या करते थे यहाँ? भाई फैक्ट्री में नौकरी 20 साल हो गए जी। कितनी उम्र थी? 63 साल। क्या कार्य करते थे यहाँ पर? भाई पाइप बनते थे सीमेंट के। क्या लग रहा है, क्या हुआ है? गेट लगा हुआ है, मैं अंदर कूद गया था। सुबह से फोन कर रहा था, किसी ने बोला नहीं। तब मैं अंदर बगल से बैठे रहे थे मालिक, मैंने कि मेरे को कोई लगाए, उनको ठहर रहा था बगल में मालिक हैं दोनों। तब उन्होंने कहा कूद के देख। तब मैं ऊपर कूद के देखा तो चांद पड़े हुए सर पर बता हुआ। चौकीदार की डेड बॉडी मिली है, क्या मामला है? ये देखिए, सिकोहाबाद का फैक्ट्री एरिया है। यहाँ पे ये एक फैक्ट्री है जो पिछले 2 माह से बंद पड़ी है। इसमें एक चौकीदार रहता था। तो आज सूचना मिली लगभग 11 बजे के पास पुलिस को कि उसकी जो है इसमें संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अभी जो फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जांच की जा रही है, सारे तथ्यों को देखा जा रहा है कि क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है या किसी अन्य वजह से यह हत्या हुई है। अभी जो है हमारी टीम लगा दी गई है। अभी थाना प्रभारी के साथ जो हमने और 2 टीमें बनाई हैं जो CCTV आसपास की जो है उसको छानबीन करेगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, बॉडी को मोर्चरी भिजवाया जाएगा। हत्या गोली लगने से हुई है या कोई भारी वस्तु के? देखिए अभी उसको एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोई बुलेट मिला नहीं है हमें यहाँ पे। लेकिन अब देखने से सर पे चोट के निशान है, तो पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी।